कुल्फी आपने भारत में बहुत तरह की देखी होंगी, बहुत तरह की खाई होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र से एक ऐसी अनोखी कुल्फी की मेकिंग जिसे बनता हुआ देखकर आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इसे बनाने का तरीका है दुनिया में सबसे ही निराला। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, मजा आ जाएगा आपको। तो कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, चीनी मिला हुआ दूध लिया गया है और वो डाला जा रहा है कढ़ाई में। कढ़ाई में इस दूध को कोई आधे घंटे तक लगातार पलटना चला चला कर पकाया जाएगा, जिससे कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अभी देखिए कोई आधा घंटा हो चुका है इस दूध को पकते पकते, लेकिन अभी ये तैयार नहीं हुआ है, अभी इसको कोई आधे घंटे और पकाया जाएगा। अब दूध काफी गाढ़ा हो चुका है, अब इस दूध को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। तो जितना अपना गाढ़ा दूध तैयार हुआ है सारे को बाहर निकाल लिया जाएगा। और जो अपनी कढ़ाई थी उसमें आप देखिए बाल्टी लेके पानी की डाली जा रही है, और ये बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। उसके बाद जो अपना गाढ़ा दूध कढ़ाई से निकाला था उसके भगोने को इसी पानी में डाल के देखिए लगातार घुमाया जा रहा है कि ठंडे पानी में घूम घूम कर ये अपना ठंडा हो जाए। और केवल घुमाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि मग्गे की सहायता से इस दूध को उछाल उछाल कर तोड़ा भी जा रहा है। उसके बाद जब ये दूध अपना ठंडा हो जाएगा, इसे लेकर जाया जाएगा टेबल पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंटेनर्स हैं टिन के, जिसमें इस दूध को अपना फिल किया जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे लगभग कोई 300 कंटेनर्स हैं, जिन सभी में ये अपना गाढ़ा दूध भर के रख दिया जाएगा। उसके बाद अब इन कंटेनर्स की पैकिंग की जाएगी। तो देखिए पैकिंग में सबसे पहले इसके ऊपर अपना बटर पेपर लगाया है, उसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग लगा के ढक्कन लगा के इसे अच्छे से बंद कर दिया गया है। इसी तरीके से जितने भी कंटेनर्स यहाँ पे हैं सभी को बटर पेपर, न्यूज़पेपर और ढक्कन लगा के बंद किया जाएगा। जब ये सारे बंद हो जाएंगे उसके बाद इन सभी ढक्कनों के मुंह पर रबर की सील लगाकर इन्हें बिल्कुल सील बंद कर दिया जाएगा। अभी इन्हें यहाँ से लिया जाएगा और देखिए झोले के अंदर और कट्टे के अंदर भरा जा रहा है। उसके बाद ये कुल्फी से भरे हुए कंटेनर्स के कट्टे को लेकर यहाँ से जाया जाएगा शॉप पर, और जो असली कार्यक्रम है इन कुल्फियों को जमाने का वो अब शुरू होगा। तो ये देखिए इसके बाद भैया एक बहुत बड़ा सा बर्तन लेकर आ रहे हैं, आप साइज देखिए कितना बड़ा है इसका, इसे ले आए हैं शॉप पर। और अब यहाँ पे देखिए भैया ने निकाला है बर्फ। तो ये बहुत ही बड़ी सिल्ली है बर्फ की, जिसको भैया ने लिया है और उसे बीच बीच से तोड़ रहे हैं। फिर बर्फ के इन बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर देखिए इस बर्तन के अंदर डाल रहे हैं। और बर्फ डालने के बाद देखिए लिया है नमक, नमक का पैकेट पूरा का पूरा इसी के अंदर खाली कर दिया है। और अब इस बर्तन को देखिए हिलाया जा रहा है, जिससे कि बर्फ और नमक आपस में मिल सके। नमक इसलिए डाला गया है क्योंकि नमक इस बर्फ को जल्दी पिघलने से रोक देगा। और उसके बाद जो अपने कुल्फी के कंटेनर्स तैयार किए गए थे वो भी देखिए इसी बर्तन के अंदर उलट दिए गए हैं सारे। उसके बाद इन कुल्फी के कंटेनर्स के ऊपर से और बर्फ लेके देखिए उसे तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में। और इतनी ही बर्फ काफी नहीं है, ये देखिए और बर्फ लेकर आ गए हैं भैया। तो पूरा ये जो बड़ा सा बर्तन आपको नजर आ रहा है बर्फ से तोड़ तोड़ कर बिल्कुल ऊपर तक भर लिया जाएगा। और उसके बाद इसमें और नमक डाला जा रहा है देखिए, और जैसे बर्फ ढेर सारा डाला गया है नमक भी इस बार यहाँ पे ढेर सारा डाला जाएगा। तो कोई 3 या 4 पैकेट पूरे नमक के खाली किए जाएंगे इसमें। और उसके बाद अब यहाँ पे जमाई जाएंगी कुल्फी। तो ये जो इतना बड़ा बर्तन है इसे भैया ने देखिए पकड़ लिया है और इसे आगे पीछे इसी तरीके से लगातार हिलाते रहेंगे। इमेजिन कीजिए कितना वजन इसमें बर्फ का होगा, कितना वजन कुल्फी का होगा, वो इतने भारी बर्तन को लगातार कोई आधे घंटे तक हिलाया जाएगा। और बर्फ के बीच में इस तरीके से हिलने से कुल्फी अपनी जमकर तैयार हो जाएगी। तो अभी देखिए लगभग कोई आधा घंटा हो चुका है, अब कुल्फी अपनी देखिए बाहर निकाली गई है, इसके ऊपर से ढक्कन हटा दिया गया है और इसके अंदर ये 4 स्टिक्स लगा दी जाएंगी, ये देखिए। उसके बाद पानी में लेके कंटेनर अलग कर दिया है, कुल्फी आ गई है अपनी बाहर, इसको कट किया जाएगा और कट करके अपनी ये कुल्फी तैयार है, जिसका प्राइस होता है केवल 20 रुपए। उम्मीद करता हूँ आपको कुल्फी मेकिंग की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।